चंचल आंखें, मीठी सी मुस्कान, मासूम अदाएं, भोला सा चेहरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम वेब दुनिया में एक ऐसी ही प्यारी सी शख्सियत के साथ हैं जिनका नाम तो अविका गौर है, लेकिन जो पहचानी जाती है अपने मशहूर किरदार आनंदी के नाम से। अविका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया में। थैंक यू सो मच। हम पूछना चाहेंगे कि एक उम्र होती है बहुत नन्ही सी, जब सपने, बच्चियां सपने तराशती हैं अपने करियर को लेकर, आपको करियर भी मिला और चमकदार सफलता भी, तो क्या सब कुछ ये उतना आसान है जितना हमें दिखाई दे रहा है, या संघर्ष आपके समक्ष भी था? सबसे पहले तो जो भी हुआ है मेरी लाइफ में इतनी जल्दी, उसका क्रेडिट जाता है ऑडियंस को। अगर लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे टीवी पर देखना रोज़ उन्हें बोर होता तो शायद ये सब नहीं होता। बिल्कुल, यू नो, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है एंड उनकी वजह से ही जो भी हुआ है वो पॉसिबल हुआ है। एंड हाँ, ये इजी नहीं है, बिकॉज मुंबई में ऐसे कितने लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं जो चाइल्ड एक्टर बनना चाहते हैं, और वो लोग मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लक भी होता है एंड सपोर्ट भी होता है। एंड मुझे मेरी फैमिली ने, मेरी स्कूल ने हर तरफ से जो सपोर्ट दिया है, शायद उसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। और जब ये सब शुरू हो रहा था, ऑब्वियसली नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। शुरुआत में तो बस यही था कि जो भी हो रहा है पूरी मेहनत डालनी है, पूरा 100% देना है और कुछ अच्छा करना है। तो वही हमेशा मेरा मोटिव रहा है कि जो भी करना है वो अपना पूरा 101% देना है। और बस कभी भी यही चीज़ को अपना यू नो माइनस पॉइंट नहीं बनाना कि इतना कुछ है। आई थिंक लोग जब मुझे देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, उन्हें चीज़ अट्रैक्ट वही करती है जो पोलाइट हो, जो ग्रैटिट्यूड में हो, जो हम्बल हो, जो काइंड हो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मैंने आज तक याद रखी और हमेशा निभाती आई हूँ, शायद दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि सब कुछ इतना अच्छा पॉजिटिव हुआ है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि आप जिस तरह से किरदार में डूबकर हमारे समक्ष आई वो, और आप देश की बेटी बन गई, ये निश्चित तौर पर बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल होता है, एक तरफ करियर होता है, रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, आप बहुत छोटी उम्र में कलाकार बनी हैं, तो और सबसे महत्वपूर्ण स्टडी होती है, आप मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं, तो इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? जी, मेरी स्टडीज मैंने 12th फिनिश किया था करेस्पॉन्डेंट से मुंबई में। हाँ जी। और उसके बाद मैं एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स कर रही हूँ। हाँ जी। जो कि है न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से, ऑनलाइन है वो। हाँ जी। तो मेरा मोटिव स्क्रीन राइटिंग कोर्स करके ये नहीं है कि मैं एक राइटर बनूं। ऑब्वियसली मुझे राइटर नहीं बनना है, लेकिन मुझे कुछ फिल्म इंडस्ट्री के रिलेटेड ही करना था इन स्टडीज। तो इसलिए मैंने ये चुना, क्योंकि आगे जाके जब मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगी, आई थिंक फॉर अ डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट पे होल्ड होना, पावर होना जरूरी है। दैट्स द रीजन यू नीड टू नो कि राइटर क्या होता है। सो दैट्स द रीजन मैं ये स्टडी कर रही हूँ। एंड ऑब्वियसली एक एक्टर की लाइफ बहुत ही पब्लिक हो जाती है। हाँ जी। क्योंकि अगर मैं एक फोटो भी खींचती हूँ कहीं पे, और अगर मैंने वो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने वो फेसबुक पे डाला तो वो हर जगह पे आ जाता है। सो ऑब्वियसली वी नीड टू टेक केयर कि कितना क्या करना है। और रही बात पर्सनल लाइफ की, फ्रेंड्स की, फैमिली की, तो आई थिंक मेरी फैमिली से मैं पहली हूँ इस इंडस्ट्री में, तो हम सबके लिए ये सब नया था। और रही बात फ्रेंड्स की, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे सेम इंडस्ट्री के हैं। अच्छा। तो सारे ही लोग हमेशा बिजी होते हैं, और जब भी फ्री होते हैं हम कहीं निकल जाते हैं। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले फ्री थी, मैं मुंबई से पास में जो लोनावला है, मैं वहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ घूमने चली गई थी। सो ऐसे जो टिपिकल टीनेज वाली लाइफ होती है वो तो मैं जी ही रही हूँ, क्योंकि मैं भी आधी रात को आइसक्रीम खाने निकल जाती हूँ, मैं वो सब कुछ करती हूँ जो एक टीनेज बच्ची करती है। एंड उसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट भी है कि लोग इतना पसंद करते हैं, तो जब मैं आइसक्रीम खाने जाती हूँ तो आइसक्रीम वाला भी पहचान जाता है, तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है। सो आई थिंक जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने हमेशा बहुत पॉजिटिवली लिया है, शायद इसीलिए सब कुछ इतना स्मूथ रहा है।
एक और चीज है कि जब आप 10 वर्ष की थी और आपको 8 वर्ष की बालिका का किरदार निभाना था, और फिर जब ससुराल सीमर का में आप 15 वर्ष की थी और 18 वर्ष की बहू का किरदार आपको निभाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई? परेशानी नहीं थी, बट आई थिंक एज एन एक्टर ये जरूरी है कि आप अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स करो, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे रोली का कैरेक्टर मिला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक 18 साल की लड़की क्या करती है, लेकिन मैं 14 साल की थी और मैं देखती थी कि 18 साल के लोग क्या करते हैं। मुझे मेरे जैसे मेरी बात करने की मेरा बात करने का तरीका है जो मैं ऐसे हाथ हिलाकर बात करती हूँ, फिर खड़े खड़े कभी मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ, तो एक 18 साल की जो लड़की है अभी मुझे मालूम पड़ता है कि नहीं, ये सारी चीजें इतनी लाउड नहीं हो सकती, थोड़ा सटल होता है। तो जब शुरू हुआ था ये शो तभी तो बहुत मजा आता था, क्योंकि मेरा बैठने का स्टाइल, मेरा बोलने का स्टाइल सब चेंज कराया था मुझसे डायरेक्टर ने, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं नहीं ये बड़ा बचपना लग रहा है इसमें, थोड़ा मैच्योरिटी। एंड आई थिंक एज एन एक्टर अलग अलग चीजें करने में बहुत मजा आता है। एंड मेरे जितने भी बाकी कैरेक्टर्स रहे सिवाय सीरियल के, मैं जो साउथ इंडियन फिल्म्स करती हूँ उसमें, तो हर कैरेक्टर मेरा डिफरेंट रहा है, हर कैरेक्टर में अलग मजा आया है। तो आई थिंक एज एन एक्टर ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको अलग अलग चीजें करने की। आप तेलुगु फिल्म का जिक्र कर रही हैं, तो क्या बॉलीवुड में आने का आपका इरादा है भविष्य? मैं ऑलरेडी एक फिल्म शूट कर चुकी हूँ जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, शायद इसी साल के एंड में, और उसके बारे में आपको बहुत अच्छी वाली न्यूज भी मिल सकती है, क्योंकि वो एक्चुअली एक कनाडा फिल्म है जो कि ऑस्कर्स के लिए जा रही है। अच्छा अच्छा, तो वो बहुत ही शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स फॉर दैट। और आप क्योंकि अब देश की बेटी हैं, तो देश की बेटियों के लिए आपकी तरफ से एक संदेश आना चाहिए, उनके अभिभावकों के लिए भी, क्योंकि आपने एक ऐसा किरदार निभाया है जहाँ बहुत छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में बच्चियां ब्याह दी जाती है, और आज भी हम इस बुराई से अभी मुक्त नहीं हो पाए हैं, आज भी गांव में ये प्रथा प्रचलित है। तो हम चाहेंगे कि एक तो बेटियों के लिए और बेटियों के अभिभावकों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश आए। सबसे पहले तो मैं उन जो बेटियां हैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि आज बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बड़े से बड़ी एक्ट्रेस और बड़े से बड़ा साइंटिस्ट और बड़े से बड़ी बिजनेस वुमेन, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, मैजिक क्रिएट कर सकती हैं, और उनकी जो ड्रीम्स हैं उन्हें प्लीज जीने दीजिए, क्योंकि तभी जाकर आपको वो प्राउड फील करा पाएंगी। क्योंकि अगर मुझे शायद मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया होता, शायद मुझे 4 साल की उम्र में उन्होंने डांस क्लासेस नहीं भेजा होता, शायद मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आती, और ये कुछ भी नहीं होता। तो आई रियली फील कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आसपास से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात लड़कियों की, आई थिंक अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे किसी ने मना भी किया होता कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर सीरियल नहीं करना है, और अगर मेरा दिल चाह रहा है मुझे करना है, तो मैं कुछ भी करती, लेकिन मैं वो करती। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट द डेडिकेशन, कि आपका कितना इंटरेस्ट है, कितना डेडिकेशन है, जो आप करना चाहते हैं उसमें कितना दिल से है, आई वुड से, तो वो तो होना ही है। आनंदी को कितना मिस करती हूँ? मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, क्योंकि कल रात की ही बात है, बालिका वधू के 2000 समथिंग एपिसोड्स की पार्टी थी जी। और मुझे इनवाइट किया गया था मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मैं कल ही रात पूरी टीम को मिली। लेकिन हम आनंदी को मिस करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप मैंने काफी लोगों को ये देखा है, देखते हो जब वो ससुराल सिमर का देखते हैं तो बोलते अरे आनंदी ऐसा क्यों कर रही है, तो अभी भी उनके दिमाग में आनंदी ही नाम फिट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। सो आई रियली डोंट मिस आनंदी, क्योंकि मेरा कनेक्ट जो ऑडियंस के साथ था वो अभी भी आनंदी ही से ही जुड़ा हुआ है। अभी भी लोग मुझे आनंदी ही कहते हैं, कभी फूटरी कहते हैं, कभी बींदनी कहते हैं, कभी लाडो कहते हैं, जो मेरे नाम थे वालिका वधू में। सो आई थिंक उन्होंने जो बेटी माना है तो अभी हमेशा के लिए मान लिया, विच आई एम ग्लैड। थैंक यू सो मच। और अभी तो एक अभियान चल रहा है सेल्फी विद डॉटर, क्या आप मानती हैं कि ये एक सार्थक पहल हो सकती है? ये बहुत ही स्वीट है, एंड ऑब्वियसली एज ऑल अदर टीनेजर्स मुझे भी सेल्फी लेना बहुत पसंद है मेरी फ्रेंड्स की वजह से, बट सेल्फीज बहुत ही स्पेशल होती है, और स्पेशली उसमें अगर ऐसा कुछ है सेल्फी विद द डॉटर,
दिस रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसी यू नो फैशन शोज किए हैं, काफ़ी ऐसे इवेंट्स किए हैं जिसमें सोशल मैसेज दिया जाता है. फॉर एग्जांपल बेटी के लिए रैंप वॉक, बेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने की हैं बेटियों के लिए, अवेयरनेस के लिए. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट वे लोगों को रियलाइज कराने के लिए, एंड आई थिंक पीपल शुड लर्न समथिंग फ्रॉम इट. और अभी तो हाल ही में ये भी सरकार की तरफ से एक फैसला आया है कि लड़ाकू विमान भी चला सकती हैं, लड़ाकू विमान पायलट बन सकती हैं महिलाएं. तो ये आपके संदेश के साथ तो ये सूचना भी बहुत खुश कर रही है हमारी. और मैं एक छोटी सी चीज़ और जानना चाहूँगी. आमतौर पर स्टार्स के पर्सनल लाइफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो खाली समय में अविका जी क्या करती हैं? मैं डांस करती हूँ. अच्छा. अगर मैं खाली अपने कमरे में बैठी हूँ, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, मैं डांस करती हूँ. नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे नई नई चीज़ें जानना बहुत पसंद है. तो अबाउट फिल्म मेकिंग, तो मैं अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्म्स देखती हूँ. मैं अपना थोड़ा होमवर्क करती हूँ कि आगे जाके अगर मैं डायरेक्टर बनी तो मुझे क्या करना चाहिए. सो आई डू अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं. एक खूबसूरत मुलाकात, एक खूबसूरत अविका जी की मुस्कान के साथ हम समाप्त कर रहे हैं. और अविका जी का एक बार फिर बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. बहुत अच्छा लगा आपने आई. थैंक यू.